महंगाई पर लोकसभा में कांग्रेस लाएगी कार्य स्थगन प्रस्ताव, 8 जुलाई को पेश होगा रेल बजट, 10 को आएगा आम बजट। संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, सर्वदलीय बैठक में लिया हिस्सा, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। पहली बार सोनिया गांधी ने कहा लोकसभा में नेता विपक्ष जरूरी, चुनाव पूर्व यूपीए था सबसे बड़ा गठबंधन, कहा विवाद पर कोर्ट जाने का अभी सोचा नहीं। वेंकैया नायडू कहा कमलनाथ का नेता विपक्ष का मुद्दा उठाना दुर्भाग्यपूर्ण, लोकसभा अध्यक्ष को फैसला लेने का है अधिकार। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया ने कहा बजट सत्र में महंगाई समेत हर मसले पर चर्चा को है तैयार। सी रंगराजन कमेटी की सिफारिशों को भी सीपीएम ने किया खारिज, कहा संसद में उठाएंगे मुद्दा, सरकार नहीं सुना तो तय करेंगे आगे की रणनीति। उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे इस सवाल को, और इस सवाल को उठाना ही नहीं, सरकार से ये मांग होगी कि इस आग्रह को असलियत के साथ जोड़े और जोड़कर जो भी कार्यक्रम कर सरकार को करनी होगी उसके आधार पर ही इसको तय किया जाए। बीएसपी का लखनऊ में मोदी और अखिलेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, मोदी सरकार को महंगाई पर घेरा, यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। सी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट में शहरों में 47 और ग्रामीण अंचल में 32 रुपए कमाने वाले को नहीं माना गरीब, बताया गरीबी रेखा से ऊपर। यूपी सरकार ने साल 2013 में सी रंगराजन के नेतृत्व में गठित की थी कमेटी, कमेटी ने मोदी सरकार के योजना मंत्रालय को सुपुर्द की रिपोर्ट। सी रंगराजन कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक देश का 10 में से हर तीसरा शख्स गरीब। ग्यारह में तेंदुलकर कमेटी ने 33 रुपए और 27 रुपए खर्च करने वाले को माना था अमीर, उस वक्त बीजेपी ने जताई थी कड़ी आपत्ति। तेंदुलकर कमेटी के आंकड़ों पर विरोध के बाद गठित हुई थी सी रंगराजन कमेटी, क्या मोदी सरकार रंगराजन कमेटी की सिफारिशों को देगी मंजूरी। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सी रंगराजन कमेटी की सिफारिशों पर बचते हुए दिया जवाब, कहा पहले पढ़ूंगा रिपोर्ट फिर दूंगा प्रतिक्रिया। गुलाम नबी आजाद ने महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा, कहा पिछले एक महीने में जितनी बड़ी महंगाई उतना 10 सालों में नहीं बढ़ी थी। सरकार में आते ही बीजेपी ने इतनी कमर तोड़ महंगाई दी कि शायद कभी हिंदुस्तान में नहीं देखी। आते ही पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, रेल के, चावल हो, दालें हो, सब्जियां हो, फ्रूट हो, सबकी कीमतें बढ़ गई हैं। बजट सत्र के पहले दिन शेयर बाजार ने रचा इतिहास, खुलते ही 26,000 के हुआ पार, 26,000 से ज्यादा पर खुलने के बाद सेंसेक्स में आई गिरावट, 25,000 ज्यादा पर आकर ठहरा। बिहार में सुपौल के विधायक और मांझी सरकार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव के नाती का अपहरण, 12 साल का मनीष 1 जुलाई को हुआ अगवा। मनीष को स्कूल जाते वक्त अपहरणकर्ताओं ने रास्ते से किया अगवा, 4 जुलाई को दर्ज हुई FIR। हफ्ते भर बाद भी नहीं मिला मनीष का सुराग, अब तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शरीयत अदालतों को कानूनी मान्यता नहीं, साथ ही कहा शरीयत अदालतें असंवैधानिक भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शरीयत अदालतों को फतवा देने का अधिकार, लेकिन तीसरे पक्ष के कहने पर ना दे फतवा।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फतवा मानना जरूरी नहीं, साथ ही कहा सभी फतवे नहीं होते गलत। हम इस फैसले को इस तरह देखते हैं कि इन्होंने रिट पिटीशन अलाउ ना करके बहुत अच्छा किया है, और जो उसमें प्रेयर थी वो बिल्कुल गलत थी कि हम लोग पैरेलल जुडिशरी रन कर रहे हैं। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जनरल दलबीर सिंह सुहाग की सेना अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इनकार, याचिका पर आज की सुनवाई। देर रात इराक से लौटा भारतीयों का एक और जत्था, करीब 150 भारतीय इराक से लौटे दिल्ली। इराक के अरबिल और बसरा शहर से लौटे भारतीय वतन वापसी के बाद जान में जान आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, बसों से घरों की ओर किया गया उन्हें रवाना। इराक से लौटे भारतीयों ने बताया कि वहां हालात काफी खराब, कंपनी पुलिस का डर दिखाकर ले रही थी काम। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला टीचर से गैंग रेप, स्कूल से घर लौटते वक्त 3 युवकों ने किया रेप। मुजफ्फरनगर के चरतवाल की वारदात, आरोपियों ने पीड़ित का एमएमएस भी बनाया। बिहार के गोपालगंज में पिता की करतूत, अधेड़ उम्र के शख्स के साथ शादी से इनकार करने पर नाबालिग को नदी में फेंका। पिता रिश्तेदारों ने गला दबाकर मारने की कोशिश भी की, बाद में मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया। पुणे में आरटीआई एक्टिविस्ट का अनोखा प्रयास, अपने अधिकारों के प्रति लोगों को किया जागरूक। शनिवार देर रात दिल्ली के वसंत विहार में फायरिंग से सनसनी, इनोवा में सवार लोगों ने की फायरिंग। इसराइल दूतावास के अधिकारी के घर के पास फायरिंग, पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी। दिल्ली के जामिया नगर में नाई की दुकान से मिली 12 साल के लड़के की लाश, बाल कटवाने गया था नाई ने अपहरण के बाद की हत्या। दिल्ली के मुखर्जी नगर में भूख हड़ताल पर बैठे यूपीएससी के छात्र, सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस से सीसैट हटाने की मांग। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का हिंदी मीडियम के छात्र जमकर कर रहे हैं विरोध, सरकार के खिलाफ नाराजगी। बॉलीवुड में खान वॉर खत्म होने के संकेत, इफ्तार पार्टी में गले मिले शाहरुख और सलमान। मुंबई में विधायक बाबा सिद्दीकी ने रखी थी इफ्तार पार्टी, पार्टी में शाहरुख और सलमान भी पहुंचे थे। इफ्तार पार्टी में जाने से पहले दोनों का हुआ आमना सामना, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पत्रकारों के पूछे सवाल पर सलमान ने कहा यह काम बाबा ही करवा सकते थे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच बने विंबलडन चैंपियन, स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को फाइनल में हराया। 5 सेटों तक चला फाइनल मुकाबला, 17 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन को नोवाक ने 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 से हराया। अर्जेंटीना से हार कर बाहर होने के बाद बेल्जियम के कोच का बयान, एक आम टीम है अर्जेंटीना। कोच मार्क विल्मोस ने कहा अर्जेंटीना के कप्तान मेसी को छोड़ दें तो टीम में नहीं है कोई दम। ऑरेंज का मीडिया फुटबॉल टीम के कोच की तारीफ में जुटा, अंतिम समय में गोलकीपर बदलकर हीरो बने कोच लुइस वैन।
गोलकीपर टिम क्रुल ने पेनल्टी शूटआउट में बचाए दो गोल, कोस्टा रिका को हराकर सेमीफाइनल में हॉलैंड। दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान श्रीलंका को 75 रन से हराया, हाशिम अमला ने जीत में ठोका अपना शतक। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 304 रन बनाए, जवाब में श्रीलंका की टीम 41 ओवर में 229 पर सिमटी। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री पर किया कब्जा, सीजन के फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद रखी कायम। हैमिल्टन की मर्सिडीज टीम के ड्राइवर निको रोसबर्ग में चल रहे थे आगे, गियर में खराबी की वजह से हैमिल्टन ने बाजी मारी।